अगर बात की जाए साइटिका की प्रॉब्लम के बारे में हकीम साहब, ये किस तरीके की बीमारी होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं और किस एज के व्यक्ति को ये सबसे ज्यादा हो जाती है? देखिए, साइटिका कहते हैं साइटिक नर्व दबने से होता है। साइटिका, साइटिक नर्व उसे कहते हैं जो हमारी कमर से लेकर पैरों तक खून सप्लाई करती है। वो खून सप्लाई में जब अवरुद्ध होती है खून सप्लाई, हमारी डिस्क उसको कहीं प्रेस करती है, तो जो खून तेज़ी से जाना चाहिए वो कतरा कतरा जाता है। इसकी वजह से हमारे पैर में दर्द होने लगता है, या सुन होने लगता है, या जलन होने लगती है, या फिर खिंचाव होने लगता है। ये चार अलामतें साइटिका की हैं, जो किसी कमर में दर्द होता है, किसी के नहीं भी होता, और किसी के एक टांग में, किसी की दोनों टांगों में भी हो सकता है। यूपी से हैं प्रियंका जी, स्वागत है आपका। हेलो जी। जी हेलो जी, ये पूछना था कि मेरे नाभि से ऊपर घबराहट होती है और बेचैनी रहती है शरीर में, ताकत नहीं रहती। दूसरा प्रश्न ये है कि हमारी बहन की बेटी है, वो अभी 9 वर्ष में है, तो जो किशोरावस्था में लड़कियों में परिवर्तन होता है वो उसको थोड़ा थोड़ा अभी दिखने लगा है, तो ये चीज को रोकने का कोई उपाय बताएं, क्योंकि वो हेल्दी है लड़की। कितनी उम्र बताइए आपने? 9 वर्ष में अभी चली। 9 वर्ष जी, अभी 9 वर्ष में हुई नहीं है। और तीसरा ये कि हमारी जो सासू माँ है उनके घुटनों में बहुत दर्द है और लगातार उन्हें बुखार रहता है, तो 101 और बीपी बहुत हाई रहता है, 180 के आसपास। ठीक है। अच्छा, देखिए, सासू माँ के लिए जो दर्द है उनके घुटनों में, उसके लिए गौंद स्याह आधा आधा ग्राम 2 बार देना है, असली वाला, और तो 3-4 महीने भी दे सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़रूरी है उनके लिए शुगर और बीपी को कंट्रोल करना, तो अपनी सारी दवाएं खाते हुए और कलौंजी का सिरका 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम पानी में मिलाकर या सब्जी सालन में मिलाकर खिला दिया करें। उनके तीनों रोग कंट्रोल होना मुमकिन है, धीरे धीरे होंगे, और अपनी दवाएं भी साथ में ले सकते हैं। अच्छा, बच्ची का मेरे ख्याल से पहले भी आपने सवाल किया था, ये मुझे ऐसा याद है। देखिए, बच्ची ग्रोथ कर रही है और उसको जिस्म से पसीना निकलना चाहिए, कुछ ऐसा उसे गेम खिलाएं, भागाएं, दौड़ाएं, रस्सी कूदाएं, कुछ भी ऐसा बिजी करिए जो 1 घंटा वो लगातार किसी मेहनत वाले गेम में लगे, और उसको रोकना ठीक नहीं है। लेकिन अगर इसके जिस्म से पसीना निकलने लगे तो फिर ये अपना आप कंट्रोल होगा, मैं उसके लिए कोई दवाई नहीं देना चाहता जी। इनको खुद को बेचैनी और घबराहट रहती है। अच्छा, देखिए, ये अलसी को हल्का सा भून लें, धनिया को भी हल्का सा भून लें, ज़्यादा नहीं भूनना, इसका पाउडर बना लें, और 1 चम्मच ये अलसी का पाउडर खाना है, और नमक जैतून 1 चुटकी और 1 चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी मिलाकर दिन में 1 बार या 2 बार खाने से पहले खाने के बाद ये इस्तेमाल किया करें, आपकी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ कर्नाटक से, सलमा, स्वागत है आपका। अस्सलामुअलैकुम हकीम साहब जी। वालेकुम सलाम। हेलो सर, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो मैं सिलगुले का गोल मंगाई हूँ, मैं पहले पूरी थी डॉन्सिल की जगह, मैं बेटी का खाना वो ऑपरेशन कम नहीं हुआ, वो मैं एलोपैथिक दिखाई हूँ थोड़ा कम हुए हैं, लेकिन सिलगुले का गोल भी मंगाई हूँ। लेकिन सर मैं बच्ची को दूध पिलाती हूँ, क्या मैं ले सकती हूँ, क्या तकलीफ बच्ची को होती है? और एक सवाल है सर, मैं गोंद सिया भी और जैतून का नमक भी ले सकती हूँ क्या, नहीं उसके साथ तकलीफ तो नहीं होती मेरी बच्ची को? ठीक है, देखिए एहतियात के तौर पर आप एक खुराक लिया करिए, और वैसे कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर गोंद सिया भी एक खुराक लें और गोंद चिलगोजा भी एक खुराक लें, और
ये सिरका भी आप एक खुराक ले सकते हैं, आपको फ़ायदा शुरू हो गया है, बहुत जल्द आप पूरी तरह तंदुरुस्त होना आपका मुमकिन है। बात नेक्स्ट कॉलर से, स्वागत है आपका। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी आपका सवाल। सवाल मेरा ये है, कल तो दवाई मंगवाई थी। हाँ जी, दवाई मंगवाई थी कल, जितू था सिरका ते गौं सिया, ठीक है, वो मेरे पास आ गई। ठीक है, पैसे सी दी थी। हेलो, हाँ जी बोलिए, दवाई आप तक पहुंच गई है, आगे सवाल क्या है? हाँ, वो अगे मेरा ये सवाल है भी वो किस तरीके ना किमे खानी हो, भी वो एक गौ सिया ते ओ जरा जितू का सिरका इकट्ठा ले सकदे आ? ठीक है, हाँ दोनों ले सकते हैं। देखिए, गौन सिया आधा ग्राम या उससे कम, इस रॉ मटेरियल को पाउडर बना लें और एक चुटकी या दो चुटकी नाश्ते के बाद पानी से बगैर चर्बी के दूध से ले सकते हैं। और ये जैतून का सिरका भी दो बार ले सकते हैं, कम से कम एक बार ज़रूर लीजिए। रात को पानी में मिलाकर तीन छोटे चाय के चम्मच, जिसे टी स्पून कहते हैं, आप लेना शुरू करें, दिन में एक बार या दो बार, तो आपको फायदा मुमकिन है। बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से, हमारे साथ भानु सिंह हैं गोरखपुर से, स्वागत है भानु जी। हेलो, हाँ जी बोलिए। मैम मेरे, हेलो जी, हकीम साहब को नमस्कार। जी आदाब भानु जी। डॉक्टर, मेरे शरीर से सफेद सफेद धब्बे हो रहे हैं और इल्ला निकल रहा है पूरे शरीर से। सफेद धब्बे हो रहे हैं, कितनी उम्र है, कब से हो रहे हैं? अरे यही कुछ एक महीने से। ठीक है, उम्र, हाँ देखिए बहुत ख्याल रखिए अपना, और एनिमल फैट कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। एनिमल फैट में दूध, घी, मक्खन और मांस, ये छोड़ दीजिए। और देखिए एक दवा आती है जिसे बापची कहते हैं, बापची खुशबूदार होती है, मेथी की तरह होती है और खुशबूदार होती है, काला काला रंग होता है, मेथी से भी ज़्यादा खुशबू होती है। बापची 100 ग्राम लें और मेथी 100 ग्राम, बापची 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम और गौन मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम, इसको पाउडर बना लें और 1 ग्राम रोज़ाना एक बार खाया करें। ये लंबा इलाज है, अगर आप साल भर इलाज कर सकते हैं तो ये नुस्खा आपके लिए काफ़ी होना चाहिए। हरियाणा से अगले कॉलर रमेश ना हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी, मैंने ना पेट की तकलीफ है जी। कब से? फुला फुला सा पेट रहा। आपको पेट की तकलीफ है और बहुत ज़्यादा है, तो एक नुस्खा बना लीजिए, सौंफ 200 ग्राम, आंवला 200 ग्राम, मेथी 200 ग्राम, फिर बोलता हूँ, सौंफ 200 ग्राम, आंवला 200 ग्राम, मेथी 200 ग्राम और 100 ग्राम रसायन आता है एक जैतून का रसायन, इसे जैतून का नमक भी कहते हैं, एस्टेक जैतून भी कहते हैं, ये 100 ग्राम खरीद के पाउडर बना लें इन सब के साथ, और आधा आधा चम्मच 2 से 3 वक्त तक खाया करें, आपकी पेट की परेशानी ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर राम प्रसाद जी सहारनपुर से, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम नमस्कार। नमस्कार बोलिए। आतिन साहब नमस्कार। आदाब, बताइए क्या सवाल है? हाँ जी सर, वो दमे की दवाई तो मैं आपसे खा रहा हूँ, मेरे पेट में पेट का सबकी सारी सिस्टम खराब है और नीचे पेशाब में पेशाब के ऊपर भी दर्द होती है, पेशाब भी बहुत ज्यादा आता है। अच्छा, और कुछ तो नहीं कहना भाई? यही है, साइडों में दर्द हो जाती है, नहीं तो पेशाब के ऊपर हो जाती है, पेशाब बहुत ज्यादा आती है, पेट मेरा बहुत खराब रहता है, कब्ज तो बहुत ज्यादा ही है। ठीक है, भूख भी नहीं लगती। और देखिए ये दवा तो रोकना नहीं, आप 5-6 महीने लगेंगे इसमें फ़ायदे के लिए। अगर पेट की और पेशाब की समस्या है तो एक आता है कलौंजी का नमक, इसे रसायन कलौंजी भी कहते हैं, एस्टेक कलौंजी भी कहते हैं, 100 ग्राम खरीद लें और 2 चुटकी सुबह, जितनी चुटकी है यानी आधा ग्राम करीब,
दो चुटकी पानी में मिलाकर रोज़ाना पी लिया करें, एक बार या दो बार, तो ये फौरन आपको फ़ायदा शुरू करेगी। और ये 100 ग्राम भी खरीद लेंगे तो आपके रोग के लिए काफ़ी होनी चाहिए। राजस्थान से पम्मी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। हेलो, हेलो जी पम्मी जी, बताइए, सवाल करिए। हाथ पैरों में जलन रहती है रात को। ठीक है, एज क्या है आपकी? हमारा हाथ पैरों में एज 50 वर्ष जी। हाथ पैरों में जलन रहती है। ठीक है, देखिए ये जलन काफ़ी देर में जाती है, 6-7 महीने आप इलाज करें लगातार। और ये जलन देखिए काफ़ी मुश्किल होता है लेकिन ठीक होना मुमकिन है। गौंद स्याह असली ले लें, ये नकली बहुत मिलता है, और आधा आधा ग्राम सुबह शाम नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद खाया करें, और 6-7 महीने लग सकते हैं। अगर इतना संयम कर सकते हैं तो आप ये इस्तेमाल करें, आपको फायदा मुमकिन है। ग्वालियर से नेक्स्ट कॉलर अरविंद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। आदाब। नमस्कार रशीद जी। आदाब साहब, फरमाइए। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, पहली बात तो ये है। मतलब और डिप्रेशन की दवाई है, मतलब कोई फायदा नहीं, दो समस्या है मेरी जी। डिप्रेशन की प्रॉब्लम है एक तो आपको, और पेट की गड़बड़ी की समस्या, पेट की दिक्कत है जी आपकी। सब्जी भूख लेती है और सब्जी की कोई दवाई लेती है तो सब्जी नहीं खाते हैं। अच्छा ठीक है, कोई भी दवाई लेते हैं तो आपको असरदार नहीं लगती है। आपकी एज क्या है? मतलब दस से लग जाते हैं, दिन तक पतले दस से लगते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपको लूज मोशन लग जाते हैं। एक बार उम्र बता दीजिए। 50 जी। दवाई लेते हैं तो लूज मोशन लग जाते, लूज मोशन लग जाते हैं। डिप्रेशन है, डिप्रेशन भी है। और देखिए एक नुस्खा मैं बताता हूँ, और जितना आप को सूट करे उतना लेना। मेथी और सौंफ, धनिया, ये 200 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं, और इसमें 100 ग्राम इसमें गौन मोरिंगा सफ़ेद, गौन मोरिंगा सफ़ेद मिलाएं, और इसका पाउडर बना के आधा आधा चम्मच खाने की कोशिश करें, खाने से पहले या खाने के बाद पानी के साथ। तो इससे आप ज़रूरत पड़े तो कम भी कर सकते हैं, आधा चम्मच में से भी आधा कर सकते हैं, क्योंकि आप पेट के रोगी हैं। जितना आपको सूट करे उतना लेना, और ये ख़त्म होते होते आपकी दोनों समस्याएं का निदान मुमकिन है। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज्यादा आप फायदा उठा सकें।